बात चिंता में डालने वाली दिल्ली की आबोहवा। एक बार फिर जहरीली हुई राजधानी दिल्ली की हवा, कई इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंचा। पॉल्यूशन की वजह से धुंधला हुआ इंडिया गेट। सीपीसीबी की वेबसाइट के मुताबिक आईटीओ और आसपास के इलाकों में एक्यूआई 500 के पार पहुंचा। राजधानी दिल्ली में बिगड़ सकते हैं प्रदूषण से हालात। बैन के बावजूद दीवारी पर आतिशबाजी से जहरीला हुआ एनसीआर का आसमान, खतरनाक स्तर पर पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली में बारिश के बाद दो दिन में आधा हो गया था प्रदूषण। 8 साल बाद सबसे साफ रही थी छोटी दिवाली, लोगों ने ली थी राहत की सांस, लेकिन दीपावली के बाद पटाखों की वजह से जहरीली हुई हवा। दिल्ली में दिवाली के बीच स्मॉग की चादर, दिल्ली एनसीआर में फिर खराब हवा का खतरा। देर रात ही दिल्ली में छाया स्मॉग। प्रदूषण को लेकर जल्द समीक्षा बैठक करेगी दिल्ली सरकार। दिवाली पर पटाखे फोड़ने के बाद हवा की गुणवत्ता की होगी जांच और इवन पर किया जाएगा विचार। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सर्दियों की छुट्टियों का किया ऐलान। बढ़ते प्रदूषण के चलते समय से पहले देना पड़ा शीतकालीन अवकाश। 13 से 19 नवंबर तक बंद रहेंगे कॉलेज। दिवाली के दिन पटाखों पर प्रतिबंध का दिल्ली में नहीं दिखा असर, फिर सांस पर बड़े संकट की पूरी संभावना। सुप्रीम कोर्ट के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद दीपावली पर पूरे भारत में जमकर आतिशबाजी। तमिलनाडु में भी दिखा पॉल्यूशन का असर। मदुरई में दिवाली के जश्न के बाद जहरीली हवा का कब्जा। मदुरई के कई इलाकों में दिखा स्मॉग। और 9 सेकंड न्यूज में अब खबर उस टनल हादसे से जुड़ी हुई जिसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी चिंतित हैं। उत्तरकाशी में टनल हादसे के बाद पिछले 24 घंटे से राहत और बचाव का काम जारी। शनिवार को सिलक्यारा से डांडला गांव तक बनने वाली निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा धस गया था। करीब 40 मजदूरों के टनल के अंदर फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। टनल के अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए संघर्ष जारी है। पाइप के सहारे ऑक्सीजन सप्लाई, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जानकारी के मुताबिक टनल में फंसे मजदूर बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी के रहने वाले। उत्तरकाशी टनल हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी ली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। केंद्रीय एजेंसियों को दिया सहयोग करने का निर्देश। जानकारी के मुताबिक भूस्खलन के कारण ये पूरा हादसा हुआ। जिस टनल में हादसा हुआ वो टनल ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। 4 किलोमीटर सुरंग का निर्माण हो चुका है। पहले इस टनल का कार्य सितंबर 2023 में पूरा होना था, लेकिन प्रोजेक्ट में देरी होने की वजह से मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।